दोस्तों, आज की डेट में आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर कैसे हम इजीली लिंक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी मोबाइल से फिर कंप्यूटर से कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और सिंपली सर्च करना है uidai.gov.in, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ओपन होने के बाद सिंपली आपको जाना है बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट, फ्रेश आधार एनरोलमेंट, नेम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हम अपडेट करा सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे सिलेक्ट सिटी और लोकेशन, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटी आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी नियर बाई सिटी है, तो यहाँ पे मैं सिटी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद करना है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट और यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट करने के बाद अपडेट आधार में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के करना है जेनरेट ओटीपी या फिर यहाँ पे न्यू आधार के लिए यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो जेनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, यहाँ पे ओटीपी डाल के सिंपली करना है वेरीफाई ओटीपी और वेरीफाई ओटीपी करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टोटल चार स्टेप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिडेंट टाइप, यहाँ पे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई के लिए है। अगर आप एनआरआई है तो यहाँ पे एनआरआई सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया का रेसिडेंट है तो यहाँ पे रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अपडेट, यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, आधार पर जो भी नेम है डालना है। उसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट या फिर HOF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ एप्लीकेंट डोंट हैव POI, मतलब कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे HOF आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी आपका, उसके बाद आधार सेवा केंद्र। सो यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद सिंपली करना है नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे नेम, जेंडर, न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं फिर अपडेट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर है, यहाँ पे सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं एप्लीकेबल जो फी है 50 रुपीज़, आपको 50 रुपीज़ पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दिखाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपका अपडेट होगा। अगर आप चाहते हैं ईमेल आईडी करने के लिए तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है, 50 रुपीज़ लगता है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ईमेल आईडी डाल देना है। अगर आप चाहते हैं एड्रेस अपडेट करने के लिए तो यहाँ पे एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस के लिए कोई भी फी नहीं लगता है। तो मेरे केस में यहाँ पे मोबाइल नंबर है, बाकी सब कुछ मैं अनटिक करता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं टाइम स्लॉट डिटेल्स, यहाँ पे आपको टाइम एंड जो डेट है सिलेक्ट करना है। तो नवंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड, मतलब अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, व्हाइट मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 29th मंडे। तो यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको करना है नीचे की तरफ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल्स, यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइप, वेरिफिकेशन टाइप, टाइम स्लॉट, यहाँ पे एप्लीकेशन डेट, यहाँ पे ओटीपी, मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर, नेम ऑन आधार, सब कुछ दिखाएगा। सिंपली करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं प्लीज एनश्योर ऑल द फील्ड इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, वन सबमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी एडिटेड। तो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे सिंपली करना है ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं प्लीज मेक पेमेंट टू कंप्लीट द अपॉइंटमेंट, यहाँ पे करना है ओके और यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मोड ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट करना है, सॉरी यहाँ पे पे यू सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, नो सर्विस चार्ज, मतलब कोई भी सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI या फिर नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली करता हूँ मेक पेमेंट और मेक पेमेंट करने के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है सक्सेसफुली बुक हो जाएगा और आपके मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा और आपका जो भी अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम है उस डेट पर जाके टाइम पर जाके आपको अपडेट कराना होगा आधार सेवा केंद्र में। दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करके आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।